अलीगढ़ गैंगस्टर और काले तेल माफिया बबलू प्रधान के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर की लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। दरअसल इगलास के गांव मोहकमपुर निवासी बबलू प्रधान पर काला तेल कारोबार से जुड़े आवश्यक वस्तु अधिनियम के कई मुकदमे दर्ज हैं। मार्च में उसके गोदाम पर छापेमारी के दौरान अवैध शराब मिली थी, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ साथ आबकारी अधिनियम का भी मुकदमा दर्ज हुआ। इसी मुकदमे में 8 अगस्त को वो जेल गया। इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके तहत उसके द्वारा अर्जित 1.7 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्तियों को पुलिस ने जब्त करने का प्रस्ताव जिला अधिकारी के समक्ष भेजा, जिस पर जिला अधिकारी ने अपनी स्वीकृति दे दी। यहाँ पे बबलू प्रधान नाम का एक व्यक्ति है, इसके खिलाफ लगभग 12 मुकदमे हैं, जिसमें से एक्साइज एक्ट और ये 1307 का मुकदमा भी है। ये कुल मिला जुला के 12 मुकदमे हैं। इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है और DM सर की तरफ से एक इनकी जमीन जो है चल अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया गया है। उसी के क्रम में एक फैक्ट्री इनकी थी, उसको अभी सील किया गया है और बाकी जो खेती की ज़मीन है वहाँ पे इनका बोर्ड लगाया गया है कि ये ज़मीनें कुर्क कर ली गई। तो लगभग 5 बीघे ज़मीन इनके हिस्से में आती है। ये 4 भाई हैं तो उसी की कार्रवाई चल रही है उसी को लेकर। सर, टोटल कितने रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है? ये संपत्ति इनकी कुल मिला के लगभग 4 करोड़ के आसपास की होगी। सर, बैंक खातों को भी सीज किया गया? हाँ, बैंक खातों को भी सीज किया गया। बैंक खातों की धनराशि अलग है, बाकी इनकी कुछ गाड़ियाँ भी हैं जिसमें CEO साहब को ज़्यादा इसकी पता होगी। ये बबलू प्रधान है, यहाँ ग्राम मोहकमपुर का रहने वाला है, जो इलाज थाने का टॉप 10 अपराधी है। इस पर कई आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। DM सर द्वारा इस पर जो कुर्की की गई है, जो इसने अपने आपराधिक कृत्य द्वारा जो जमीन अर्जित की है अपने नाम और पत्नी के नाम, उसकी कुर्की की गई है। इसमें 4 प्लॉट है लगभग 12 बीघे के, वो कुर्की गई है। और इसके नाम से एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, एक फॉर्चूनर, एक थार है गोल्ड जीप और एक बुलेरो, ये 4 गाड़ी रखी गई हैं। और ये 20वां पंजाब नेशनल बैंक में। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कुछ दिन पहले पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हुआ था। फिलहाल SDM और CO ने पुलिस फोर्स के साथ गांव मोहकमपुर में पहुंचकर तेल माफिया बबलू प्रधान की संपत्ति जब्त कर सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया है। पंजाब केसरी TV के लिए अलीगढ़ से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।